ट्रांसपेरेंसी एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का, और जिस सोसाइटी में या जहाँ जिस स्टेट के पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में उसके प्रोसेसेस में या उसके डिफरेंट प्रोसीजर्स में जो है ट्रांसपेरेंसी होगी, उस सोसाइटी में गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा आसान होगा. सो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली एनहांसेस द ओपननेस इन ऑल मैटर्स ऑफ द स्टेट एंड इट प्रमोट्स द फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टेकिंग डिसीजंस. सो ट्रांसपेरेंसी में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो ये है कि हर मामले में ओपननेस हो, लोगों को पता हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट इंस्टीट्यूशंस एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं या कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो वो उसका बेसिक एजेंडा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके आउटकम्स क्या होंगे. सो ये सब वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए टू द जनरल पब्लिक फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर्स. और दूसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि अगर आप किसी भी प्रोसीजर या प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए. अगर आप सेट पैटर्न्स के थ्रू या सेट जो डेवलप रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनके थ्रू कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स कम से कम आती हैं, डिविएशंस नहीं होती और इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर किया जा सकता है. सो ट्रांसपेरेंसी इस बात पर जोर देती है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो भी उतनी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में किया जा सके ताकि आप मामलात को बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें. द एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजंस शुड बी फेयर एंड ओपन. सो फेयरनेस, ओपननेस, इम्पार्शियलिटी ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ट्रांसपेरेंसी में होनी चाहिए और इनकी वजह से ट्रांसपेरेंसी किसी भी सोसाइटी में इंश्योर होती है. द एनफोर्समेंट ऑफ डिसीजंस शुड बी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगेन वही चीज़ जिस पर जोर दिया गया है कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए और ओपननेस को इंश्योर किया जाए फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सोसाइटी. इट फैसिलिटेट्स द इजी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सिटीजंस ऑफ स्टेट. द मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी इजी एंड एक्सेसिबल टू ऑल. अब अगर आप ओपननेस लाना चाहते हैं मामलात में या प्रोसीजर्स में और आप इस चीज़ पे जोर देते हैं कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसिडर करने के लिए बहुत कंसिडर करनी चाहिए वो ये है कि इन्फॉर्मेशन लोगों तक कितनी ईजी और एक्सेसिबल है और वो इन्फॉर्मेशन का मीडियम कितना अच्छा है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और दूसरा इन्फॉर्मेशन की लैंग्वेज कितनी सिंपल है जिसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन को ईजीली ग्रास्प कर सकते हैं. सो ये वो इम्पॉर्टेंट फीचर है जो ट्रांसपेरेंसी में कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द इन्फॉर्मेशन शुड बी इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म एज आई हैव मैंशनड अर्लियर एंड इट प्रमोट्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशेंसी विच लीड्स टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस. सो अगर आप किसी भी सोसाइटी में गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ के मामलात या स्टेट इंस्टीट्यूशंस के मामलात और उनके प्रोसीजर्स को ट्रांसपेरेंट रखा जाए, ओपन रखा जाए, फेयर रखा जाए. अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन भी ओपनली लिया जाए और वो वेल कम्युनिकेटेड हो टू जनरल पब्लिक और उसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए तो वो ईजिली एक्सेसिबल हो और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो ताकि लोग उसको समझ सकें. इसी तरह आप ट्रांसपेरेंसी को मुख्तलिफ मामलात में इंश्योर कर सकते हैं और उसकी वजह से आप उस सोसाइटी में या स्टेट में गुड गवर्नेंस को इंश्योर करेंगे.